नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर, योर अल्टीमेट स्टॉक मार्केट मोटिवेशन। दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास है, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहां पर आपको देने वाला हूं एक्चुअल रियल नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है 5 मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट। जो भी नए लोग हैं, जो भी बिगनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, ये बिजनेस है दोस्तों, जॉब नहीं है, ठीक है, बताता हूँ कैसे। अगर ट्रेडिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको ये 5 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप मार्केट में आएँ तो पूरी तैयारी के साथ आएँ। ऐसे नहीं कि आप मार्केट में आए, आपने पैसा लगा दिया, आपका पैसा डूब गया और फिर आप मार्केट को गाली देके निकल गए कि शेयर मार्केट तो जुआ है, गैम्बलिंग है, यहाँ पर ये सब वो सब नेगेटिव, ऑल नेगेटिव टॉक्स अबाउट द मार्केट पीपल स्टार्ट डूइंग बिकॉज दे लूज मनी। तो मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों में शुमार हों, आप एकदम डिफरेंट बने और आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, उस वही मेरा पर्पज़ है आपको सिखाने का। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, हर किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। हर कोई सोचता है कि यहाँ पर अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा, और यही सोचकर लोग आ रहे हैं। यार आप तुम्हें बताइए, एक सब्जी वाला है जो दिन के 500 रुपए कमाता है, उसे स्टॉक मार्केट में आने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसे लगता है कि यहां वो इससे ज्यादा कमा लेगा। ये सबके अंदर एक होप है और ये बहुत बड़ी मिथ है दोस्तों। और आपका हार्ड अर्न मनी आप लगा देते हैं बिना जाने पहचाने शेयर मार्केट को, और आपका पैसा डूब जाता है, जो कि बड़ी दुखद स्थिति है। सेबी का सर्कुलर कहता है कि 95% लोग यहां पर पैसा गंवा देते हैं, सिर्फ 5 से 10% लोग ही प्रॉफिट में आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके अंदर एक होप है, आपने एक मिथ क्रिएट कर रखा है कि शेयर मार्केट में अगर मैंने पैसा लगा दिया तो मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा, जबकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है ना। ये डिस्क्लेमर हमेशा दिया जाता है, इसीलिए इस मिथ से बाहर आइए कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगा दिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं आ रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा घटेगा, ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहली बात, जो सबसे पहली मिथ जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग जो नए ट्रेडर जो शेयर मार्केट में एंटर करते हैं, उनको लगता है कि वो इमीडिएट पैसा कमा लेंगे, यहाँ पर इमीडिएट मनी मिल जाती है। मतलब आप आए, आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी और आपको प्रॉफिट होगा, ये सबसे बड़ी मिथ है। बहुत सारे लोग, लाखों लोग इसी उम्मीद से स्टॉक मार्केट में आते हैं कि वो किसी बढ़ते हुए शेयर में, किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो उनका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जबकि ये सबसे बड़ी मिथ है दोस्तों। बिना मार्केट नॉलेज के अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डूबेगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको अगर बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट का ज्ञान नहीं है, तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे? क्या आपका पैसा नहीं डूबेगा? क्या आप बिजनेस से बाहर नहीं हो जाएंगे? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल हो जाएंगे। उसी तरह ट्रेडिंग, शेयर मार्केट एक बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। तो आप अगर यही सोचकर आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी पैसा बनता है, तो आप कभी यहाँ पैसा नहीं बना पाएंगे। बात बिल्कुल सही है कि पैसा बहुत जल्दी भी बनता है, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, शेयर मार्केट मूव कर रहा है हाइयर एंड हाई, तो आप अगर पैसा लगाते हैं तो पैसा जल्दी भी बनता है। यहाँ पर 1000%, 5000, 7000, 10000% ग्रोथ भी हुई है शेयर्स की, जो मैं आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा कौन से वो शेयर्स हैं। लेकिन बिगनिंग में आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको एकदम न्यूट्रल आना है। आपको ये सोचकर आना है कि मुझे कुछ नहीं आता, पहले मुझे मार्केट सीखना है, तब मैं कहीं जाकर अपना पैसा लगाऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पहली मिथ। दूसरी, बिना सीखे मैं पैसा कमा लूंगा। कई लोग सोचते हैं सीखने की क्या जरूरत है यार, अच्छे शेयर में पैसा डाल दो, पैसा बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। रिलायंस जैसी कंपनी के शेयर भी नीचे गिरते हैं, HDFC बैंक भी नीचे जाता है, जिसका निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा शेयर है, वो शेयर भी नीचे जाता है। तो आपने अगर ऐसे शेयर में लगा दी जब वो नीचे गिर रहा है, तब आपका पैसा डूबेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा, भले ही अच्छा शेयर भी हो, उसमें भी कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ एग्जिट करना है, आपको ये सीखना पड़ेगा। और ये सीखे बिना आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा डूबेगा, और जब आपका पैसा डूब जाता है तो फिर आप इधर उधर तलाशते हैं कि काश कोई मुझे बता दे कि कहाँ पैसा लगा दूँ, मेरा पैसा बन जाए। बहुत लोग हैं, मेरे पास भी बहुत ऑफर आते हैं कि सर आप हमसे पैसा ले लो, मेरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो और मुझे प्रॉफिट दे दो। तो मेरा आंसर होता है बिग नो, कि भैया शेयर मार्केट में अगर कोई आपको प्रॉफिट की गारंटी दे रहा है कि मुझे पैसा दे दो मैं लगा दूंगा प्रॉफिट दूंगा, तो समझ लो वो आपको ठगने वाला है, आपको बेवकूफ़ बनाने वाला, आपका पैसा खाने वाला है।
ऐसे लोगों से हमेशा हमें सावधान रहना है। यहाँ पर कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता है दोस्तों। ये फील्ड वो है जहाँ पर सिर्फ सक्सेस रेशियो 5% है, यहाँ पर 95% लूजर्स हैं, फिर भी ट्रेडिंग इतना अट्रैक्टिव बिजनेस है कि लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। इवन दो दे नोज दे कैन लूज देयर मनी, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड चांसेस हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि 10% से लेकर 1000%, 10,000% तक ग्रोथ हुई है शेयर मार्केट में शेयर्स की, तो कितना बड़ा जो आपके पास जो अट्रैक्शन है वो है इस मार्केट में। इसलिए लोग बिना सीखे भी इसमें घुसना चाहते हैं और वो एक सबसे बड़ा कारण है कि वो फेलियर ही होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, तीसरी जो मिथ है वो ये है कि एक बार सीख लिया तो वो अपने आप को मास्टर समझने लगते हैं। अगर आपने कहीं से वीडियोस देख लिए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, या कहीं से भी आपने कोई बुक पढ़ ली तो आपको लगता है आप सीख गए, अब आप मास्टर हो गए, अब तो आप जो भी करेंगे वो सही ही होगा। जी नहीं दोस्तों, शेयर मार्केट में जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जब तक आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तक आपको सीखते ही रहना है। यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, आपको मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना है, मार्केट के मूव को समझना है, मार्केट जैसा जाएगा हाँ उसी को फॉलो करना है। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट में जाएंगे तो मार्केट आपको डुबा देगा, ये बात आपको समझनी है। ये मत समझिए कि आपने कहीं से सीख लिया है, एक दो साल आपने कुछ कोर्स कर लिया है तो आप सोच रहे हैं कि आप मास्टर हो गए। जी नहीं, यहाँ कोई मास्टर नहीं है, यहाँ सब कोई लर्नर है और लर्निंग लाइफ लॉन्ग है। कई लोग बोलते हैं सर मैं एक साल से पढ़ रहा हूँ मैं क्या करूँ। एक साल नहीं दोस्त, पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ना पड़ेगा। लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं स्टॉक मार्केट में, अगर ऐसा ही होता तो कोई बुक लिखता ही नहीं। 10-12 किताब से काम हो जाता, शेयर मार्केट नॉलेज सब लोग गेन कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इवॉल्विंग मार्केट है, मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, बिजनेस मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमें कंटिन्यूअस लर्निंग में रहना पड़ेगा अगर हमें मार्केट में टिकना है। ठीक है, चौथी मिथ, कई लोगों को लगता है यार कि टिप ले लें, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो न्यूज़ बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं उसमें जो बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं वो कुछ बोल जाते हैं कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, इसमें अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म अच्छा है, तो वो वहीं से देखकर शेयर खरीद लेते हैं, शेयर में पैसा लगा देते हैं और जब उनका पैसा डूब जाता है तो फिर वो रियल नॉलेज की तलाश में आते हैं। तो ऐसा क्यों करना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत करिए। शेयर मार्केट में टिप सबसे बड़ी मतलब जो गड़बड़ी चल रही है वो है कि आप टिप के भरोसे बैठेंगे। यार कोई जिस बंदे को थोड़ी जानकारी है आप उससे पूछ लो सर प्लीज़ आज कोई शेयर बता दो, और वो शायद कोई आपको शेयर बता दे और आप उसमें लगा दो और आपका शेयर नीचे गिर जाए, तो कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपको। आप अपने आप से सीखें और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करें, तभी आप मजबूती से टिक पाएंगे, लंबे समय तक टिक पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर आप टिप के भरोसे बैठे रहे, न्यूज़ चैनल्स के भरोसे बैठे रहे, इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे बैठ रहे तो आपका पैसा डूबेगा। मैं भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि स्टॉक रिकमेंडेशन ये है कि आप फिर सीखेंगे नहीं। मैं कुछ एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, आप तुरंत खरीद लेंगे, आप उसमें एनालिसिस करेंगे ही नहीं। जबकि मैं बोलता हूं कि अगर मैं कुछ बताता हूं तो आप उसको पूरा रिसर्च करिए, उस पर एनालिसिस करिए अपनी, फिर आप सोचिए कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा है जो डूबेगा या आप प्रॉफिट कमाएंगे, मेरे को तो कुछ होगा नहीं। तो आपको अगर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन देता भी, आप अगर ले भी रहे हैं तो आप पूरी एनालिसिस करने के बाद अगर आप कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ यार ये मार्केट में इस शेयर में मुझे पैसा लगाना है तभी लगाइए, अन्यथा नहीं लगाइए, बिग नो। अपना पैसा बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों, पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना है स्टॉक मार्केट में। पैसा बचाने का तरीका यही है कि सही टाइम पर सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अन्यथा शांति से बैठना है, आपका पैसा आपके पास है अभी भी सेफ। ओके, पांचवी और लास्ट मिथ जो है, एक सबसे बड़ी नेगेटिव थिंकिंग कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही है, लोग इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। और कौन लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, जो आते हैं मार्केट में 2-4 लाख रुपए एक साथ लगा दिया, पैसा उनका डूब गया, आधा हो गया, अब वो बैठे इंतजार में कब उनका मार्केट बढ़ेगा, कब उनका शेयर ऊपर जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता आप भी हो इस कैटेगरी में कि आप आए शेयर मार्केट में, आपने अंधाधुंध पैसा लगा दिया और आपका पैसा ब्लॉक हो गया या डूब गया, और फिर आप बोलने लगे कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही है। जब भी आप कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखते हैं तब भी आप नेगेटिव बोलेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही है, आप लोगों को भी नेगेटिव उसके बारे में बोलते हैं, आप लोगों के में कमेंट भी नेगेटिव करते हैं। तो ये एक मिथ है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है और अच्छे तरीके से होता है। अगर आप 10 ट्रेड ले लें तो मान लीजिए कि अगर 7 में लॉस हो रहा है तो 3 में आपको जो प्रॉफिट होगा वो 7 के लॉस को रिकवर कर लेगा। लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर फियर और ग्रीड नाम की दो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो मार्केट को ड्राइव करती हैं कि डर के कारण बेच दिया और ग्रीड के कारण खरीद लिया। उन चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी, एक ट्रेडर की, एक जो इन्वेस्टर है उसकी साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी कहीं जाकर आप शेयर मार्केट का जो महासागर है उसमें से 2-4 बूंदें निकाल पाएंगे।
ठीक है। तो बिगनर मैंने जो बातें बताई हैं आप जरा एनालाइज करिए कि मैंने सही बताया नहीं बताया। अब धीरे धीरे हम कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे, तो आप मुझसे जुड़ जाइए। जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे उतना अच्छा मैं सिखाने की आपको कोशिश करूँगा, ताकि आप शेयर मार्केट में धीरे धीरे एंटर हों। एकदम से एंट्री करेंगे गिर जाएंगे, है ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एंट्री करेंगे तो लंबे समय तक टिकेंगे और प्रॉफिट भी होगा, लॉसेस कम होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प करेगा। मुझसे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ए न्यू जर्नी इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू वेरी मच।